स्टूडेंट्स, ये एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जामिया की तरफ से। जैसे कि हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि तकरीबन सारे कोर्सेज में सीट्स वैकेंट हैं, इसलिए जल्दी ही आपको स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी ने अब 20 फरवरी 2021 तक एडमिशंस अलाउ कर दिए हैं, और इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह हमने आपको बताई थी कि एएमयू का डिलेड एडमिशन प्रोसेस, जो कि कुछ ज़्यादा ही डिले हो चुका है, और दूसरा डिपार्टमेंट और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस के बीच में जो खींचतान जामिया के अंदर है, उसकी वजह से यहाँ पर भी एडमिशन बहुत ज़्यादा डिले हो गए। तो दोनों मेजर फैक्टर हैं, नतीजा कौन भुगत रहा है? स्टूडेंट्स। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, ट्विटर और फेसबुक वगैरह पे जमकर के आईडी बनाइए और अपनी आवाज़ उठाइए, ताकि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को पता लग सके कि ये बच्चे वो नहीं हैं अब कि जैसे चाहे इनके कान ऐंठ लिए जाएँ। कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट आज की बात यह है कि न्यू सेशन को लेकर एएमयू के स्कूल्स के फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं, आपको पता है, और बाकी कोर्सेज के लिए भी उम्मीद है कि जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। सेम प्रोसेस जामिया में भी एक्सपेक्टेड है। तो अब आप समझ सकते हैं कि टाल मटोल की आदत छोड़ना ही अब बेहतर है, और फटाफट तैयारी शुरू करें आज से नहीं बल्कि अभी से। नए स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये मैसेज है, जो कि आप तैयारी करना चाहते हैं, बुक्स और पुराने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह कलेक्ट करें और पूरी ताकत से जुड़ जाएं, अदरवाइज रिजल्ट वही रहेगा कि आप नेक्स्ट कट ऑफ की वेट करते रह जाएंगे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, 15 तारीख को ये आया हुआ है, और इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि आप 20 तारीख तक एडमिशन अब क्लोज कर देंगे, सारे डिपार्टमेंट्स को कहा गया है, और 19 फरवरी 19 फरवरी तक सारी अपडेट दे देंगे कहाँ पे कितनी कितनी सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा होने वाला है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, उस दिन हमने आपको बताया था कि जल्दी ही आपको स्पॉट रजिस्ट्रेशन या कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सीट्स काफ़ी वैकेंट चल रही हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपके साथ हमने आज करनी है, वो है व्हाट्सएप मैसेज को लेकर के। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पर ही आप कमेंट की फॉर्म में हमें मैसेज करें, और उसी पे अगर हम रिप्लाई करेंगे तो वो फिर जो है मैसेज बहुत सारे बच्चों तक पहुँचता है। कमेंट्स दूसरे बच्चे भी चेक करते हैं, और आप लोग भी कमेंट चेक किया करिए कि इस वीडियो पर क्या क्या कमेंट आया है। ठीक है, कई बार हमसे गलती भी हो सकती है, तो गलती एटलीस्ट हम तक पहुँचती है और हम उसको रेक्टिफाई एक बार कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन भी पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या एक्टिवेशन किया गया है। ओके, दूसरा ये कि इंडिविजुअल मैसेज पढ़ने में व्हाट्सएप में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप कोशिश करिए कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, या व्हाट्सएप के जो कंसर्न ग्रुप हैं, जैसे कोई बीएससी बायोटेक की तैयारी कर रहा है तो बीएससी बायोटेक वाला ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक ही ग्रुप के मार्फत हम दे सकें, क्योंकि हमारे पास मोर देन 1000 ग्रुप्स हैं। हमारे लिए इंडिविजुअल ग्रुप को, इंडिविजुअल किसी मैसेज को, किसी बंदे ने अचानक कोई मैसेज भेज दिया तो वो बहुत नीचे पहुंच जाता है। 1000 मैसेज हम ग्रुप चेक करेंगे, उसके बाद जाकर के आपका नंबर आएगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऐसा अवॉइड करें, ना करें। बहुत अर्जेंट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बट दैट इज़ ओनली आफ्टर 2 PM, 2 बजे के बाद कोशिश करिए कि आप हमें कॉल करें। बस ज़्यादा ज़्यादा आप करें तो सिंपल मैसेज जो होता है टेक्स्ट मैसेज, वो आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर नहीं। सिंपल अगर अर्जेंट है तो 2 बजे से पहले कॉल ना करें और मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम कॉल बैक कर लें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कई बार हम क्लास में होते हैं, कई बार हम वीडियो में बिजी होते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। हम भी हर वक्त फ़ोन तो नहीं उठा सकते, हमारी भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो सब कुछ क्लियर है अब? तो नए सेशन के लिए आप जुड़ जाइए, और पुराने सेशन का जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एडमिशन का वेट कर रहे हैं, वो इन बातों को फॉलो करें, ताकि आपको एडमिशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।